इमद वाल्मीकि रामायणम अरण्यकाण्डम दशमः सर्गः शरणागत मुनिजन रक्षार्थं रक्षोवदस्य प्रतिज्ञात्त्वात् प्रतिज्ञातस्य चावश्यं निर्वहनीयत्वात् आवश्यकमेत इति वाक्यमेतत्तु समर्थयति वाक्यमेतत्ववैदेह्या व्याहृतं भर्तृप दया शुत्व धर्मे स्थितो रामः प्रत्यवाचात जानकी हितमुक्तं त्वया देवी स्निग्धया सदृशं वचः कुलं व्यपि व्यपति संत्याच अधर्मज्ञ जनकात्मजे किम् नु वक्षाम्यहं देवी त्वयैवोक्तमिदं वचः क्षत्रियै धार्यते च पोनाथ शब्दो भवेदिति ते चर्त दण्डकारण्य मुनय संशित व्रता स्वयं आगम्य शरण्यं शरण गता वसंत काल कालेशुवूल न लभं ते सुखं क्रूरकर्म काले काले चनिरता नियमाय विविधाय दंवने भक्षन्ते राक्षस एवं भीमाय नरमांसो पजीविभिहि भी, ते भक्ष्यमानामुनयो दंडकारण्यवासिनः अस्माना

षा तु ममातुला यदि दृशरह विप्रैरूपस्थर् उपस्थरुपस्थि किं कौमी की च मैं व्याहृत द्विजसनिध संवैरव समागम्य वागीयम् राक्षसैगण्डकारण्ये बहुभिः कामरूपिभिः अर्दितास्म वृषं राम भवानस्तत्र रक्षतु होमकाले तु संप्राप्ते पर्वकाले शुचानघ दर्शयन्ति स्म दुर्दर्शा राक्षसा पिशिताशनाः राक्षसैः दर्शितानां च तापसानां तपस्विनाम्

कात्सन्येन परिपालनम् ऋषीणां दण्डकारण्ये सु संश्रुतं जनकात्मजे संश्रुत्य न च न शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम् मुनीनाम् अन्यथा कर्तुम् सत्यामिष्ठं हि मे सदा आप्यहं जीवितं जह्यं द्वां वाधीतेस लक्ष्मणं नतु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः तदवश्यं मया कार्यं ऋषीणाम् परिपालनं अनुक्तेनापि वैदेही प्रतिज्ञाया कथं पुनः हा। मम स्नेहात् सौहर्दादिदमुक्तं त्वया वचः परितुष्टो

सधर्मचारिणी मे त्वं प्राणेभ्यो गरीयसी मुक्त वचनम महात्मा सीतां प्रिया मैथिलीराजपुत्री रामोदनुष्मान्य सह लक्ष्मणेन जगाम रम्याणि तपोवनानि इत्याशे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकांडे दशमः सर्गः